हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू लर्न एंड गुड सपोर्टेड बाय न्यूटन स्कूल लास्ट वीडियो में हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच देखा था यूनियन एंड फाइंड एल्गोरिथम का एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट क्विक फाइंड ऑपरेशन सो इस एल्ग्इथम में हम देखने वाले हैं कैसे हम अपने फाइंड ऑपरेशन को ओ ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी का बना सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ आर यूनियन ऑपरेशन सो आपको बेसिकली देखना होगा कि आपके क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है क्या आपके क्वेश्चन में क्विक फाइंड यूज होना चाहिए या फिर क्विक यूनियन यूज होना चाहिए या फिर हम फ्यूचर वीडियो में यूनियन एंड

इसे हम ऑप्टिमाइज करते हैं एज द नेम सजेस्ट दैट दिस इज क्विक फाइंड सो ऑप्टिमाइजेशन हमारा कहाँ तक हो सकता है ओ ऑफ अ कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी सी इज अ कांस्टेंट वैल्यू सो यू कैन से ओ ऑफ 1 और ओ ऑफ सी नाउ अब हमें इसे कैसे इंप्लीमेंट करें लेट्स टेक एन एग्जांपल यहां पे ये कुछ नोड्स आपको लेट्स से गिवन है एंड इन यूनियन फाइनल गोथम वी आर गोइंग टू कॉल देम एज़ सेट सो लेट्स से दिस इज सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4

एंड इसका आपको पेरेंट निकालना है आपको जीरो का पेरेंट निकालना है तो आ, हमने प्रीवियस वीडियो में कैसे इसे निकाला था हमने पहले देखा था कि यार हम जीरो का पेरेंट निकालने के लिए वन का पेरेंट फाइंड करेंगे वन का पेरेंट फाइंड करने के लिए टू का पेरेंट फाइंड करेंगे एंड टू का पेरेंट फाइंड करने के लिए थ्री का पेरेंट फाइंड करेंगे एंड जो भी हमारा आंसर होगा उसे हम रिटर्न करते जाएंगे टिल द प्लेस जब तक हमें कोई ऐसी नोट नहीं मिल जाती जो अपनी ही पेरेंट है राइट बेसिकली वो पूरे इस सेट की पेरेंट हो जाएगी

अगर हम ऐसा कुछ इंप्लीमेंट कर पाए देन वी वुड बी एबल टू अचीव दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सो हम इस एल्गोरिथम में ये सेम चीज ट्राई करने वाले हैं ना अभी कैसे होगी तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं अगर हम जब भी यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम यूनियन ऑपरेशन करते टाइम सिर्फ एक नोड का पेरेंट चेंज नहीं करेंगे हम उस नोड से कनेक्टेड जितनी भी नोड है उन सबका पेरेंट चेंज करने वाले हैं इन आर पेरेंट एरे सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लेट्स से आपको एक यूनियन ऑपरेशन आया है वन एंड टू के बीच तो अब आप क्या करोगे ठीक है ये तो आपने सिंपल कनेक्ट कर दी एंड जो आपका पेरेंट था उसे आपने अपडेट कर दिया लाइक दिस फॉर आई एम स्टार्टिंग द इंडेक्स फ्रॉम वन थ्री फोर एंड फाइव सो अब वन का पेरेंट टू है सो so, आपको वन के पेरेंट आरे में लिखना होगा टू यहाँ पे आ जाएगा टू देन थ्री एंड फोर एंड फाइव राइट नाउ लेट्स टेक अनदर यूनियन ऑपरेशन जिसमें हम बोल रहे हैं टू का पेरेंट इज फोर तो अब इसमें हम क्या करेंगे टू का पेरेंट तो फोर बनाएंगे ही प्लस वन का पेरेंट भी फोर बना देंगे सो दैट आर ट्री इज समथिंग लाइक दिस अब ये करने के लिए हमें क्या करना होगा हमें उन सारी नोट के पेरेंट को अपडेट करना होगा जिनका पेरेंट टू था क्योंकि बेसिकली हम बोल रहे हैं ये सारी नोट्स अब फोर को डायरेक्ट करेंगी फोर इनका पेरेंट होगा सो व्हाट वी आर गोइंग टू से यहाँ पे टू को हटा के फोर कर दो एंड यहाँ पे भी टू को हटा के फोर कर दो बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी सो so, इसमें हमारा कोड कैसे चेंज होने वाला है सो so, यहाँ पर इस कनेक्टेड जो फंक्शन है आपका और आप इसे फाइंड फंक्शन भी अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन आपके एल्गोरिथम में आप फाइंड को क्या सिग्निफिकेंस दे रहे हो सो इन माई केस आई कंसिडर फाइंड एज अ फंक्शन जो आपको आपके जो सेट होगा उसका पेरेंट रिटर्न करके देगा सो so, यहाँ पे हम लेंगे इंट ए and b basically you have to check if a and b lies in the same set or not so this will return bool and the function will just simply check if your parent of a is equal equal to parent of b so return this सो दिस इज ओ ऑ ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी एंड ये कैसे पॉसिबल हो पाया बिकॉज इन एवरी यूनियन ऑपरेशन आप हर नोड का पेरेंट अपडेट कर रहे हो राइट सो बेसिकली जो आपका नोड है उसका जो पेरेंट एरे का वैल्यू होगी वो सिग्निफाई कर रहा है कि ये जो नोड है ये किस सेट में बिलोंग करती है तो उस सेट का जो पेरेंट होगा हर बार हमें वो रिटर्न होगा एंड इफ द टू नोड हैव द सेम पेरेंट दैट सिग्निफाइज की वो लोग सेम सेट के अंदर है राइट सो दैट इज पे हमारा जो फाइंड ऑपरेशन है या फिर इस कनेक्टेड ऑपरेशन है वो हमारी ओ ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी का हो गया अगर आपको इस केस में फाइंड ऑपरेशन भी बनाना है जो बेसिकली आपको आपके एलिमेंट का रूट पेरेंट ला कर दे देगा सो इफ इट इज इन ए सो इन फाइंड ऑपरेशन यू आर गोइंग टू सिंपली रिटर्न पी ऑफ ए आपको यहाँ पे कोई रिकर्शन या फिर नहीं करनी पड़ेंगी टू रिकर्सिवली गेट टू द रूट पेरेंट सो so, ये तो आ गए आपके इस कनेक्टेड एंड फाइंड ऑपरेशन बोथ विल बी ओ ऑफ वन या फिर आप बोल सकते हो बोथ कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नाउ वट अबाउट योर यूनियन ऑपरेशन सो यूनियन ऑपरेशन यहाँ पे कैसे होने वाला है लेट से दिस इज योर यूनियन ऑपरेशन यहाँ पर आप दो वैल्यूज ले रहे हो इंट ए एंड इंट बी एंड आपको इनका यूनियन करना है नाउ वट आर यू गोइंग टू डू आप सबसे पहले चेक करोगे पेरेंट ऑफ ए एंड इसके लिए आप क्या करोगे लेके आओगे पेरेंट ऑफ ए को नाउ यू आर गोइंग टू चेक पेरेंट ऑफ बी हेयर पी इज योर पेरेंट नाउ सबसे पहले आप चेक करोगे क्या ये दोनों एलिमेंट सेम सेट में बिलोंग करते हैं या नहीं सो वट यू कैन सिंपली डू इज यू कैन आई दर राइट इफ स्टेटमेंट जिसमें आप ये सेम कंडीशन डालोगे या फिर आप इस कनेक्टेड को भी कॉल कर सकते हो सो आई एम गोइंग टू राइट अ सिंपल इफ स्टेटमेंट इफ पी ए इज इक्वल टू पी बी इन दिस केस आई एम गोइंग टू सिंपली रिटर्न

तो आप इस पूरे पेरेंट एरे के ऊपर आइट्रेट करोगे एंड देन यू आर गोइंग टू चेक इफ पी ऑफ आई इज इक्वल इक्वल टू पी ए विच बेसिकली सेज जो भी आपका एरे का एंट्री पी ए के इक्वल है उसे अब आपको चेंज करके पीबी के इक्वल करना है सो दिस इज योर सिंपल यूनियन ऑपरेशन नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे हम एक लीनियर लूप चला रहे हैं कॉम्पलेक्सिटी ऑफ यूनियन ऑपरेशन वुड बी ओ ऑ ऑ ऑ ऑ ऑफ एम एंड अगर आपको यहाँ पे एम ऑपरेशन करने को दिए गए हैं इन विच समे बी ऑफ फाइन टाइप एंड सम मे बी ऑफ यूनियन टाइप देन द एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ओ ऑ ऑफ एन इन टू एक्स वेर एक्स आर दंबर ऑफ यूनियन कमांड्स और यूनियन ऑपरेशन सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी राइट बिकॉज अगर आपकी सारी कमांड्स हमारी अनियन ऑपरेशन की हुई देन इट कैन टर्न अराउंड टू बी एन स्क्वेयर टाइप quadratic in nature which is not a good complexity so is video ke itna hi. in the next video we are going to implement an optimized version of union find algorithm by using weightage uh, union operation and path compression so if you like this video please subscribe to our channel and don't forget to enroll in the full stack web development course provided by newton school also link is already available in the description box you can directly click on the link and start learning your development so see you in the next video